आज हमारे कोर्स की दूसरी क्लास है और इसमें हम बताएंगे बीप की ड्राइंग कैसे बनाते हैं। बीप जो है ये जो छोटे बच्चे होते हैं घर में खाना खिलाते समय उनके गले में पहनाया जाता है, इसे बीप भी कहते हैं और इसे लारबंद भी कहते हैं, इसे रालबंद भी कहते हैं। तो इन चार नामों का ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम अपने बीप की शुरुआत करते हैं। बीप की लंबाई का निशान 8 इंच लगाना है, ये 8 लिखा हुआ है, ये हमारे बीप की लंबाई का निशान है। अब हम लगाएंगे बीप की चौड़ाई का निशान, ये 4 इंच, ये देख सकते हैं, ये 4 इंच बीप की चौड़ाई 4 इंच। अब हम इधर भी ऐसे ही निशान लगाएंगे, ये भी हमें 8 इंच का ही निशान लगाना है। अब हमें ऊपर से ऐसे ही निशान लगाना है। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हुआ। अब हमें इसमें लगाना है गले की चौड़ाई का निशान। तो गला हमें रखना है बीप का 3 इंच, तो हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। ये हमारे गले की चौड़ाई का निशान। अब हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे, ये है हमारा 2.5 इंच। ऐसे ही हमें 1.5 इंच इधर लगाना है। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हुआ। ऊपर से हमें कंधी का निशान लगाना है 0.5 इंच। 0.5 इंच का हम इसका गिराव करेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसमें गोलाई करनी है। ये जो गोलाई है आपको भी ऐसी ही गोलाई करनी है। गोलाई ज्यादा ना करें, फिर पाइपिंग लगाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए आप कम ही गोलाई बनाएं ताकि पाइपिंग लगाने में आसानी हो। अगर गला सही से ना बैठा तो बीप सही नहीं बैठेगा, इसलिए आपको गले की गोलाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम बीप की गोलाई का निशान लगाते हैं। ये हमने गोलाई का आकार बना दिया है, आपको भी ऐसा ही बनाना है। आप इसे चकोर भी बना सकते हो, ये जो गोलाई है इसे कम भी कर सकते हो। बीप के जो डिजाइन है वो आपको खुद ही तैयार करने पड़ते हैं, ये फिक्स नहीं है। जो हमने देखा वही बनाए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कैसा भी डिजाइन बना सकते हो। ध्यान गले का रहे, गले का ध्यान रखोगे तो बीप सही बैठेगा, नहीं तो भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखो, ये हमने लंबाई का निशान दे दिया है 8 इंच। हमारे बीप की लंबाई 8 इंच, बीप की चौड़ाई 4 इंच, गले की गहराई 2.5 इंच, गले की चौड़ाई 1.5 इंच, कंधे का गिराव 0.5 इंच। तो ये हमारा बीप का ड्राइंग तैयार हुआ। अब हम बताएंगे बीप के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए और किस किस चीज की जरूरत है। तो ये मैं हमने उसके बारे में सब कुछ लिख दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कपड़े की लंबाई 9 इंच, कपड़े की चौड़ाई
18 इंच, दीप की लंबाई 8 इंच, दीप की चौड़ाई 8 इंच, गला ऊपर से यानी गले की चौड़ाई, ये जो गला देख रहे हैं इसकी चौड़ाई 1.5 इंच, गले की गहराई, गला नीचे से ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये 2.5 इंच। बीब की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखकर काटना है। हमारे बीब की लंबाई 8 इंच है और कपड़े की लंबाई 9 इंच ली है ताकि कटिंग करने में परेशानी ना हो। बीब की चौड़ाई 4 इंच, इसे 4 फोल्ड में काटना है, इसलिए हमने कपड़े की चौड़ाई 18 इंच ली है, 2 इंच फालतू, ताकि कटिंग में परेशानी ना हो। बीब की लंबाई 8 इंच, बीब की चौड़ाई 8 इंच, तो ये हमने 2-2 इंच कवर कर दिया है कपड़ा, आपको दिक्कत नहीं आएगी कटिंग करने में। ये सब कुछ हमने इसके बारे में लिख दिया है, आपको भी ऐसा ही लिखना है और फिर आपको बीब तैयार करना है। अगली वीडियो में हम बीब की कटिंग और सिलाई बताएंगे।